हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग 3D एरिया चार्ट अप्लाई करते हैं। तो 3D एरिया चार्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं दोस्तों, उसे सेलेक्ट करना है। फिर आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और इस चार्ट ग्रुप में इंसर्ट लाइन एंड एरिया चार्ट पे क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा दोस्तों, 3D एरिया चार्ट, बस क्लिक करेंगे और क्लिक करते के साथ ही आपके पास ये स्क्रीन में 3D एरिया चार्ट बन जाएगा। 3D एरिया चार्ट में यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है? सारा डेटा जो भी है आपका एरिया चार्ट में शो कर रहा है, लेकिन वो 3D कर रहा है। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप सेलेक्ट करके डिज़ाइन में अगर क्लिक करें तो आप चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट के स्टाइल में, चार्ट में कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, और अगर आप लेआउट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप अलग अलग लेआउट रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एलिमेंट्स इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सिस है, एक्सिस टाइटल है, चार्ट टाइटल्स है, डेटा टाइप्स है, ठीक है, ग्रिड लाइंस है, लेजेंड है और लाइंस है, जो आपकी ज़रूरत हो आप उसे रख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद आपके पास है फॉर्मेट। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ये एक शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें आप जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, इसकी बैकग्राउंड कर दिया आपने, अब यहाँ पे आप इसकी आउटलाइन करना चाहते हैं, इसमें आप इफेक्ट लाना चाहते हैं, तो ये भी एक फॉर्मेट चेंजेस है। ठीक है दोस्तों, और भी चेंजेस लाना चाहते हैं डिटेल में तो आप इसमें डबल क्लिक करें, विंडो आएगा राइट साइड में आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे कि आप और भी चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ आपका शो हो रहा है, ये आपका रो है और ये कॉलम है। तो कॉलम और रो का डिटेल्स यहाँ पे क्या आ रहा है? जो आपका रो है वो बॉटम में आ रहा है, और कॉलम वाला चीज़ जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे करें स्विच रो टू कॉलम, अगर स्विच रो टू कॉलम करेंगे तो क्या होगा कि अब देख, जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा आपका डेट ये आ चुका है कॉलम में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली आ चुका है सारा ये मंथ्स, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर टोटल एवरेज। और अगर आप फिर से इसको करें तो ये इसका हुआ प्रॉपर तरीका, जिसमें कि आपका जो नेम ऑफ सेल्स पर्सन है वो आ रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है जैक को, ये रेड रिप्रेजेंट कर रहा है सैम को, और ये लाइट ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है जिम को। ये है दोस्तों 3D एरिया चार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।